हर पल तेरी हो, हर पल तेरी हो। स्नेह प्यार की तुझसे बाबा बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर। हर्षा पेन का दिल से स्वागत करते हैं। सुबह सुबह अपना क्लास त्याग करके हमारे सामने आप मौजूद हो। मैं हूं सिस्टर हेमा, अनुभूति रिट्रीट सेंटर। और आपके सामने यदि हो सके तो आप अपना कैमरा सब क्लास वाले करेंगे तो दीदी आपका फेस भी देख सकती हैं, आपको दृष्टि भी दे सकती हैं, है ना। दीदी इतनी तकलीफ करती हैं, इतना भारत से खास हमारे साथ जुड़ गए हैं, कितने दूर से आए हैं। तो हर्षा बहन, आपके सामने जो भी बैठे हैं वो करीब लास्ट 1.5 साल के आसपास, मोस्ट ऑफ देम जो कोविड के टाइम से भगवान के करामत का फल अब देखते हो, कोविड की करामत का फल देखते हो कि पूरे अमेरिका से लोग यहाँ बैठे हैं, मिसिसिपी, मिजूरी, ह्यूस्टन, फिनिक्स में कितना नाम लू, कुछ कोई रह जाएगा। तो इन सब स्थान से, पूरे अमेरिका से आज आपके सामने मौजूद है। तो सच में मैं ये कहूंगी दिल से बाबा को और आपको इन एडवांस थैंक यू कि बेहद सेवाधारी बना दिया, विश्व सेवाधारी बना दिया, बिन कौड़ी खर्चा, है ना। टाइम भी नहीं लगा आपको हमारे पास पहुंचने के लिए और आप हमारे साथ पहुंच गए। सो दिल से पहले तो मैं आपको थैंक यू कहना चाहती हूँ। तो हमारे हर्षा बहन फेस से भी हर्ष दिखता है, वो वाइब्रेशन आती है, ठीक है ना। आप उसका फेस देखेंगे जैसा नाम वैसा, सचमुच के शक्ल से लगता है कि भगवान ने उसको वो गुण दिया है। तो हर्षा बहन हमारे बचपन से ही इस ईश्वरीय कार्य में लगे हैं। वो सिर्फ 18 साल के थे जब इस ज्ञान मार्ग में आए। तो सचमुच कितना ऊंचा भाग्य है कि भगवान ने आपको इतना अच्छा बनाया। तो बहन हमारे कई सेवा केंद्रों के निमित्त बने हैं, कई आत्माओं को बाबा के नजदीक लाने में, योगी बनाने में निमित्त बने हैं। वैसे तो फिलहाल अभी वो गोरबंदर, जीबी रोड बोलते हैं, वहां के मेन इंस्ट्रूमेंट है। तो बहन बहुत अच्छी रीति से सेमिनार भी कराते हैं, राजयोग भी कराते हैं, एग्जीबिशन का भी। तो बहन के अंदर बहुत सारी भगवान ने क्रिएटिविटी भर दी है जो बहुत लोगों तक वो पहुंचती है। तो आज भी भगवान ने, बाबा ने उनको हमारे पास बुला दिया है ताकि हम भी, भगवान ने जो उसको प्रभु प्रसाद दिया है तो हम भी साथ शेयर करें। सो थैंक यू, ओके, थैंक यू सो मच अगेन, ताहे दिल से आपका स्वागत है। ओम शांति। बाप दादा को बहुत बहुत थैंक्स। हिमा दीदी कह रहे थे कि हमें त्याग किया है, नहीं हिमा दीदी, हमने त्याग नहीं किया है। वैसे हम लोग का क्लास यहाँ पर 7:00 का होता है, लेकिन क्योंकि आप सबसे बाबा ने मुलाकात करने का चांस दिया इसलिए हमने आज का क्लास 6:00 को किया था। वाओ, 6:45 को वाइंड अप कर दिया। इसके लिए त्याग तो नहीं है, खुशी है कि आप सबसे मिलने का बाबा ने चांस दिया है। और विशेष करके दीदी आपको बहुत बहुत थैंक्स। आप हमारा आभार मान रहे हैं लेकिन थैंक्स तो आपका है कि कैसे इस संगठन को मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर भी और विदेश में भी, सब जगह पर इस कोविड के निमित्त सभी कैसे ऑनलाइन जुड़े और बहुत अच्छे रीति से। मुझे लगता है कि बाबा के बच्चों के अलावा इतना सारा फायदा या बेनिफिट कोविड का और किसी भी बाबा और कहीं पर दुनिया में और कोई संस्था या और कोई ग्रुप के लोगों ने नहीं दिया होगा, क्योंकि हम रोज मिलते हैं, सुबह मिलते, शाम को मिलते, कभी कभी रात भर मिलते। तो ये है ऑनलाइन का, बाबा ने बहुत बहुत अच्छा एक व्यवस्था हमको करके दी है। सो लेट्स स्टार्ट आज का जो दीदी ने हमें टॉपिक दिया है, बाबा ने दिया है दीदी के द्वारा, और वो है स्मृति सुसमाधि। इस
ऑल बाप दादा इंस्पिरेशन, बाप दादा की ही बातें हैं जो हम सब जब आपस में क्लास करते हैं तो केवल उसको हमें मौका मिलता रिवाइज करने का, या कई बार जो बाबा कहते हैं कि बच्चे आपस में मिलकर के मनन करो। सो आत्मा के जो तीन गुण हैं, तीन ऑर्गन्स हैं, मन बुद्धि और संस्कार, इसमें स्मृति का किसका रोल है, समर्थी का किसका रोल है? स्मृति, स्मृति माना याद, मुझे स्मृति आई, मुझे याद आया फलानी बात का, तो इस जो बाबा हमें कहता है वो स्मृति है, और स्मृति किसका काम होता है, बुद्धि का, इंटेलेक्ट का। पर जो मैं स्मृति लाती हूँ मेरे बुद्धि में, प्लस इक्वेशन ऐसा होगा, प्लस अगर मेरा मन उसका स्वरूप बनता है, अगर मेरा मन उसका एम्बॉडीमेंट बनता है, तो फिर दोनों मिलकर के स्मृति प्लस स्वरूप जब बनता, मन और बुद्धि जब दोनों एक साथ आकर के एक ही संकल्प की स्मृति और एक ही संकल्प का स्वरूप जब बन जाती है आत्मा, तो उसमें से समर्थी क्रिएट होती है, और ये समर्थी आती है संस्कारों में। तो इस सारी जर्नी हम देखते हैं कि पूरा एक्चुअली बाबा का यह ऑस्पिशियस कॉन्फ्लुएंस एज जो गिफ्ट के रूप में हमें मिला है, ये पूरा संगम ही क्या है, ये एक सफर है स्मृति और समर्थियों का। वैसे तो देखा जाए तो रोज बाप दादा 7 दिन होते हैं वीक के, 6 दिन साकार मुरली के द्वारा और 1 दिन अव्यक्त मुरली के द्वारा हमें भिन्न भिन्न रीति से, वैरायटी रीति से, रमणीक रीति से इस सफर में आगे ले जाते हैं। जहां तक बात आती है साकार मुरलियों की, हम देखते हैं कि साकार मुरली में बाबा किन किन प्रकार की स्मृतियां हमें बातें करते करते, खेल खेल करके, फुर्सत के साथ सामने कहते हैं। कई बार बाबा कहते हैं बच्चे मैं फुर्सत से आपके सामने बैठा, तो प्यार प्यार से मात पिता के रूप में, अलग अलग संबंधों के रूप में बाबा हमारे सामने बैठ करके, सन्मुख हमें देख करके संबोधन करते हुए भिन्न भिन्न स्मृतियों के सफर में ले जाते हैं। आमतौर पर अगर हम हर मुरली को देखें साक्षी होकर के, तो बाबा हमें सबसे पहले हमारे अनादि स्वरूप की स्मृति दिलाते, ये कहकर के बच्चे तुम्हें वापस घर जाना है, तुम उस ब्रह्म लोक से आए हो, तुम उस पर लोक से आए हो, तुम उस परम धाम से आए हो। अब जब बाबा हमें ये स्मृति दिलाते कि आप उस घर से आए हो, सुनते हुए ही सन्मुख सन्मुख सुनते हुए ही अलग प्रकार की शक्ति हमारे अंदर आती। घर की स्मृति या परम धाम की स्मृति या निर्वाण धाम की स्मृति हमें कौन सी सामर्थ्य दिलाती है? संपूर्ण रीति से निर्संकल्प की शक्ति हमें देती। फिर बाबा कहते वहां पर सिर्फ आत्माएं रहती, तो यहाँ पर जो हम बंधनों में होते रहते हैं उसे पार, उस फ्री दुनिया में फ्रीडम की शक्ति हमें प्राप्त होती। यहाँ रहकर के फ्री रहना हमें लगता है नहीं ये सब कुछ हमें करना है, ये करना है, वो करना है, पर बाबा कहते बच्चे तुम उस घर के वासी, तो उस घर के की स्मृति कि मैं उस घर की थी, उस घर में मुझे वापस जाना है, बाबा आया है मुझे ले जाने के लिए, तो वो स्मृति मुझे फ्रीडम दिलाती है। और ये फ्रीडम अपने आप में एक समर्थी है, अपने आप में एक शक्ति है, पावर है। फिर दूसरा, कई बार बाबा रोज की मुरली में भिन्न भिन्न रीति से बाबा हमारे सत्युग के स्वरूप को स्मृति में दिलाते, बच्चे तुम्हें सूर्यवंशी बनना है, तुम 5000 वर्ष पहले तुम देव थे और तुम्हें फिर से देवता बनना है। और इस स्मृति को बाबा इतना इजी करके देते, बच्चे कल की तो बात है, तो वो स्मृति को बाबा और स्ट्रॉन्ग करते, कल की तो बात,
और ये सुनकर के हमें क्या फीलिंग आती, फिर वहां के बाबा अलग अलग प्रकार की हमारी हमारी हम आत्माओं की स्थितियों की स्मृति दिलाते कि वहां पर आपस में कितना प्यार था। ये सेकंड सीजन की सेकंड अव्यक्त वाणी पूरा बाबा ने वहां की स्मृति दिलाते हुए कहा, बच्चे वहां पर तुम्हारा एक धर्म होगा, एक राज्य होगा, लॉ एंड ऑर्डर होगा। तो सतयुग की अपनी मुझ आत्मा की स्मृतियां जब मुझे बाबा दिलाता है तो मुझे वहां की स्मृति आते ही, फिर उसके बाद में जब मेरा मन उसका स्वरूप बनने लगता है तो स्वरूप का स्वरूप बनते बनते फिर उसमें से रिजल्ट क्या निकलता है, आउटकम क्या निकलता है, समर्थन शक्ति कि अच्छा मैं इतना प्यार से चलने वाली आत्मा थी तो यहाँ पर भी मुझे उतना ही प्यार से रहना है। लक्ष्मी नारायण का आपस में कितना प्यार था बाबा कहते हैं, यहाँ पर भी मुझे उतना प्यार से रहने की समर्थि आती है। पर समर्थि कब आती है, जब मन उसका स्वरूप बनता है। इसी के साथ में फिर कई बार बाबा चंद्रवंशी की स्मृति क्यों दिलाते हैं, उससे क्या समर्थि हमें मिलती है। त्रेता युग की स्मृति लाते बाबा कहते हैं, बच्चे वहां पर दो कला कम होगी और राम सीता का राज्य होगा, लेकिन दो कला कम तो यहाँ जो फेल होते हैं वो अंत तक युद्ध करते रहते हैं, वहां पर चंद्रवंशी बनते हैं। अब उसमें से बाबा के इस चंद्रवंशी की स्मृति से मुझे क्या समर्थि आती कि नहीं मुझे पास होना है, मुझे फेल नहीं होना है, मुझे युद्ध में अपना समय नहीं गंवाना। तो कभी कभी बीच बीच में जो हम चला लेते हैं, हम कहते हैं नहीं नहीं होता है, सबसे होता है, कौन इतना संपन्न बनना है। पर बाबा कहते नहीं बच्चे, तुम अपने चंद्रवंशी को देखो, वहां पर दो कलाएं कम होगी तो ठीक बात तो नहीं है ना। तो समर्थी आती है कि मुझे हर बात में माया जीत करना है, मुझे फेल नहीं होना है, मुझे दो कला में भी थोड़े भी मार्क्स मुझे कम नहीं लाए। अच्छा फिर और आगे चलो, कई बार बाबा साकार मूल्यों में द्वापर युग की बातें करते। जब बाबा कहते हैं बच्चे भक्ति मार्ग में तुमने मुझे कितना पुकारा, तुम अव्यभिचारी भक्त थे, फिर बाद में तुम व्यभिचारी बने, तुम अनेकों की पूजा करने लगे, तो ये स्मृति, फिर तुमने ही तो मुझे बुलाया है, तुम्हारे बुलाने पर मैं आया। फिर द्वापर युग की स्मृति बाबा क्या दिलाते, बच्चे द्वापर युग से तुम्हारे अंदर कितने विकर्मों का बोझा है। अब वो स्मृति, जब मैं आत्मा उस स्मृति के फीलिंग में चली जाती कि मैं अव्यभिचारी भक्त थी, ठीक है, तो ये स्मृति जब मैं अपने ऊपर अप्लाई करती तो मुझे क्या समर्थ आती है कि मैं अव्यभिचारी भक्त थी तो यहां मुझे कैसे रहना है, अव्यभिचारी ज्ञानी, अव्यभिचारी योगी। तो याद आते ही मैं भक्ति में भी एक परमात्मा को याद करती थी, परमात्मा की भक्ति करती थी, तो ज्ञान मार्ग में भी मैं एक को ही पकड़ के रखू मन और बुद्धि से। फिर बाबा कहते हैं तुमने मुझे बुलाया ना, तो मुझे जब ये याद आता है कि अरे परमात्मा ने को शिव बाबा को मेरे मैंने बुलाया, मेरे बुलावे पर आया है, अब ये स्मृति जब मुझे आती है तो समर्थि क्या प्राप्त होती है, क्या शक्ति प्राप्त होती है। आप हम इस घड़ी भी सोचना शुरू करें कि मैंने परमात्मा को बुलाया, तो स्मृति से क्या समर्थि आती, क्या शक्ति आती। परमात्मा इस समय जो मेरे सामने आए हैं मेरे बुलावे पर, तो मुझे उनको पूरी तरह से अटेंड करना है। अलर्ट रहने की शक्ति आती, ये समय जो मुझे मिला है प्राप्ति का, मेरे बुलावे पर परमात्मा जो मेरा कल्याण करने के लिए आए हैं, तो ये संगम का समय सफल करने की शक्ति आती। जो कभी कभी हमसे समय वेस्ट जाता, यहाँ वहां व्यर्थ बातों में हम चले जाते हैं,
और उस समय अगर मुझे स्मृति आई कि मेरे बुलावे पर बाबा आए हैं और बाबा मेरे ऊपर मेहनत कर रहे हैं, तो मैं बाबा के दी हुई मेहनत, बाबा जो मेरे ऊपर मेहनत कर रहा है, उस मेहनत पर मैं ध्यान देती हूँ, मेरा फोकस चला जाता है बाबा के ऊपर, न कि बातों के ऊपर। बातें फिर सेकेंडरी हो जाती, बातें फिर गौण हो जाती, मेरी बुद्धि डाइवर्ट हो जाती है, समर्थी आती। इसी प्रकार से द्वापर युग की और कौन सी स्मृतियां श्रेष्ठ स्मृति बाबा हमें देते, कि बच्चे तुम ही इष्ट देव थे। कल परसों की कुछ हम पैसेज पढ़ रहे थे अव्यक्त वाणी का, उसमें बाबा ने कहा कि इष्ट देव आत्माएं सदा सबके प्रति शुभ भावनाएं रखती हैं, और अगर मैं याद करूं कि मैं वो इष्ट देव थी या इष्ट देव थी, एक इष्ट देवी थी और मैं हूँ, मुझे फिर से बनना है, तो ऑटोमेटिकली समर्थी आती है किसी के प्रति भी अशुभ न सोच करके, कोई कैसा भी हो। इष्ट देवी आप देखो, देवी देवताएं मंदिर में होते हैं, कितने अलग अलग प्रकार की फीलिंग्स, कितने अलग अलग प्रकार की बुरी भावनाओं से भक्त लोग आते हैं, और वो तो देवी के सामने नतमस्तक होकर के कहते हैं, हे देवी मुझे शक्ति दो, मैं उस गंदगी से, उस मलिनता से, उस पतित पने से निकल जाऊं। तो अगर मैं इष्ट देवी हूं, मुझे स्मृति आती है, तो मुझे याद आता कि मेरे मंदिरों में लोग शुभ भावना, मेरी शुभ भावना की शक्ति से अपने गंदगी पर मात कर सकते, विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो यहां पर मुझे आसपास सबके प्रति शुभ भावना रखनी ही है, और वो ऑटोमेटिक हो जाता है, स्मृति ऑटोमेटिक समर्थी दिलाती। एक्चुअली जर्नी स्मृति से समर्थी की इतनी डिफिकल्ट नहीं है, केवल स्मृति का स्वरूप बनने का इम्पोर्टेंस, उसका ध्यान हमें रखना है, उसका अटेंशन हमें रखना है और उस पर फोकस करना है। इसका एग्जाम्पल बाबा कई बार ब्रह्मा बाबा का देते। देखो ब्रह्मा बाबा का भी साकार मूल्यों में जो बातें बाबा करते हैं ना, उससे भी कितनी स्मृति, बाबा ब्रह्मा बाबा की याद से भी कितनी समर्थ आती है। अब जैसे शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के लिए कहते कि ये तो कावड़े का छोरा था, लेकिन जब से बाबा उसको मिला तो पूरी तरह से बलिहार हो गए। फिर ब्रह्मा बाबा अपना एग्जाम्पल कई बार देते हैं कि मैं भी शिव बाबा को कभी कभी भूल जाता हूं, पर मैं ध्यान देता हूँ। भक्ति मार्ग में ब्रह्मा बाबा अपनी बातें सुनाते हैं, डायरी जो है ना 1932 की डायरी, उस वो भी स्मृति बाबा ने दिलाई है, उस समय की भी, अज्ञानता की भी स्मृति बाबा ने हमें दिलाई कि जब ब्रह्मा बाबा बोलते हैं थे कि मैं जब भी इसमें ध्यान में बैठता था, परमात्मा को याद करता था, उस समय तो बाबा विष्णु के भक्त थे, तो पर भगवान को याद करता था, और अगर मैं भूल जाता था तो मैं अपने आप को चुटकी मारता था, मतलब मैं अपने आप को पनिश करता था कि मैं कैसे भूल सकता, मन बुद्धि भटक जाती थी, तो मैं अपने मन को बोलता था, ऐ मन मंत्री तू मेरे बिना पूछे कहाँ चला जाता, अब तो तुझे भगवान को याद करना, तेरे को समझ में नहीं आता। बाबा अपने मन के साथ बात करता। अब ये बातें ब्रह्मा बाबा की जब मुझे याद आती है, मुझे आत्मा को स्मृति आती है, मैं भी क्या करती हूँ कि जब ब्रह्मा बाबा अपनी साधना में अज्ञानता में भी इतने स्ट्रिक्ट थे, फिर ज्ञान में बाबा कहते हैं कि बच्चे हर कर्म करते ब्रह्मा बाबा को बहुत याद रहता है कि मुझे शिव बाबा याद रखना है, शिव बाबा की याद में रहना। तो जब हम ब्रह्मा बाबा की स्मृतियों में भी रहते हैं ना, तो ब्रह्मा बाबा की लाइफ हमारे लिए एक मास्टर कॉपी है। तो अच्छा ऐसे वो याद करते हैं, कैसे अटेंशन देते हैं, स्नान करते समय पर भी मैं बाबा को याद करता हूँ, शिव पर लोटी चढ़ाता हूँ, तो स्मृति हमें क्या देती है, मैं कैसे भूल सकती हूँ, मैं तो ब्रह्मा मुख वंशावली, तो मैं भी क्यों भूलूं अपने शिव को जिसकी मैंने अव्यभिचारी भक्ति की है। तो ब्रह्मा बाबा की स्मृतियां, अच्छा ब्रह्मा बाबा की स्मृतियां हमें प्रेरणा भी देती हैं, और वो प्रेरणाएं हमें समर्थी देती। तो जैसे ब्रह्मा बाबा के लिए शिव बाबा कहते हैं कि इसको इतना नहीं
सतयुगी ड्रेस, नारायण की ड्रेस देख करके समझता है बस वो खूंटी पर लटकी हुई ड्रेस है, खिले पर लटकी हुई ड्रेस, और बस अभी मैंने ये उतारा और बस मुझे वो अभी पहनना है। तो वो स्मृति जब ब्रह्मा बाबा की ये बात भी मुझे याद आती है, स्मृति में आता है, तो मेरे अंदर भी उस प्रकार का अपने 5000 वर्ष पहले का वो देव स्वरूप, वो देवी स्वरूप, वो सतयुगी स्वरूप सामने आता है, मुझे भी ऐसा बनना है, मैं भी ऐसा बन रही हूँ। तो ये स्मृति ब्रह्मा बाबा की मुझे अपने भविष्य सतयुगी स्वरूप को के नजदीक ले जाती है, अपनी गोट तो नशा चढ़ी। फिर जब मैं अपने सतयुगी स्वरूप के डीप फीलिंग में जाते 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 वो समर्थी कहाँ आती, फिर मेरा ध्यान यहाँ वहां के वेस्ट से दूर हट जाता है। मुझे यहाँ वहां ध्यान नहीं देना, मुझे केवल और केवल ब्रह्मा बाबा समान अपने स्वरूप पर एकाग्र रहना है। कर्म करते हुए, कारोबार संभालते हुए ब्रह्मा बाबा ने अपना कारोबार हटाया नहीं। और एक और इम्पोर्टेंट स्मृति रोज बाबा हमें साकार मूल्यों में भिन्न भिन्न प्रकार से देते, कोई एक साकार मूल्य नहीं होगी जिसमें ये स्मृति बाबा ने नहीं दिलाई, वो कौन सी? तो बाबा हमें विनाश की स्मृति देते। कभी बाबा कहते महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है, कभी बाबा कहते आपका मौत सामने खड़ा है, कभी बाबा कहते हैं देखो ऐसे बॉम्ब्स बनने की तैयारी हो रही है, कभी बाबा कहते नेचुरल कैलामिटीज होंगे, हाँ कभी बाबा कहते सब खंड नहीं होंगे, ये तो सब आपके पिकनिक के स्मार्ट स्पॉट्स होंगे। तो ये स्मृति, विनाश की स्मृति मुझे क्या समर्थी लाती। कई बार बाबा के बच्चे आकर कहते नहीं नहीं बाबा है ना विनाश विनाश करता ना, हमको टेंशन आता है। नहीं, विनाश की स्मृति हमें क्या समर्थी दिलाती है, क्या शक्ति दिलाती है। विनाश की स्मृति, बाबा हमेशा देखो विनाश की बात क्या कहते हैं, बच्चे विनाश की बातें करेंगे फिर बाबा क्या बात करते जो वास्तव में हमारे काम की है। बाबा कहते हैं विनाश के पहले तुम्हें संपन्न बनना है। विनाश के पहले बाबा इस सप्ताह में बाबा ने 3-4 बार इस अलग अलग प्रकार से ये स्मृति हमारे अंदर लाने का पार्ट प्ले किया है। बाबा कहते यहां तुम तैयार हो जाएंगे, यहां विनाश होगा और इस स्मृति मुझे तैयार करने की सामर्थ्य देती। विनाश की स्मृति मुझे उसमें बाबा कहते बच्चे अंतकाल में ऐसी तुम्हारी याद हो जो एक के सिवाय किसी की भी याद तुमको न आए। तो विनाश की स्मृति मुझे एक बाबा के सहारे को पकड़ के रखने की शक्ति आती है, जो असमर्थ ही हमारे अंदर क्रिएट होती है। जो संडे की मुरली में बाबा ने कहा कि बच्चे तुमको किसी भी देहधारी को क्यों शेयर करने की दिल हो, तुमको लगता है आकारी निराकारी बाबा तो ऊपर है, साकार में तो कोई देहधारी चाहिए। तो बाबा ने कहा क्यों तुमको देहधारी, साकार में कोई देहधारी की याद क्यों आती है, क्यों होता है कि मैं अपनी बात यहाँ शेयर करूं वहां शेयर करूं। तो बाबा ने बहुत इंपॉर्टेंट वहां बात कही कि बच्चे तुम अपनी बुद्धि को कितनी बातों से भारी कर ले, इसीलिए फिर तुमको यहाँ वहां बात करने की दिल हो। पर जब मुझे याद आता है कि विनाश सामने खड़ा है, फिर याद आता अच्छा विनाश में मुझे किसके साथ ऊपर जाना है बाबा के पास, तो बाबा के साथ ही तो वही मेरा सहारा है। तो वो विनाश की स्मृति और विनाश के समय मेरी खुद की यात्रा जब मैं स्मृति में लाती हूँ और उसका स्वरूप बनती हूँ, तो बहुत इंपॉर्टेंट
अव्यभिचारी की समर्थी मेरे अंदर, कि जब जाना उस एक के साथ है तो बातें भी उसके साथ करूं, शेयर भी उसके साथ करूं, अकाउंट्स भी उसके साथ में कनेक्टेड करूं, न कि यहां अकेला जाना है, विनाश के साथ मुझे अकेला जाना है। फिर कैसे जाना है? एक बाबा की याद में। बाबा कहते हैं मैं आपको नैनों में पलकों में बिठा कर ले जाऊं। अच्छा, ये रहा साकार मूल्यों का सफर। 6 दिन बाबा इन भिन्न भिन्न प्रकार से हमें समर्थी में ले आते। संदे की मूल्य, अव्यक्त वाणी, वो हमें, वो उसकी विशेषता क्या है? बाबा एक ही स्मृति को पूरा एक्सप्लोर करके देते हैं। एक ही स्मृति, जैसे हम इस लेटेस्ट अव्यक्त मुरली जो बाबा की सीजन की चली, ट्यूसडे को बाबा मिलन था, ट्यूसडे, तो वो मुरली को भी हम एक्सप्लोर करें। बाबा उस मुरली में से कैसे स्मृतियों से समर्थी की ओर की यात्रा बाबा ने हमें कराई। और अव्यक्त मूल्यों की विशेषता यह होती है, डिटेल में एक स्मृति में सबसे पहले उसी एक ही स्मृति को स्टार्टिंग से एंड तक बाबा उसी के साथ बने रहते हैं, तो हमें सीखने को मिलता है कि एक ही स्मृति को भिन्न भिन्न प्रकार से समर्थी स्वरूप में कैसे कन्वर्ट करना है। जैसे इस बार की अव्यक्त मूल्य में बाबा ने कहा तुमको कौन देख रहा है, तो सबसे पहले बाबा हमें सर्व खजानों के स्वयं सेट होकर हमें सर्व खजानों से संपन्न बच्चे के रूप में देखते हैं। तो ये जो देखते हैं ना, हम सब जो मुझे लगता है साकार पालना बाबा के लिए होगी, पर बाकी हम सब है अव्यक्त पैदाइश, अव्यक्त रचना। तो हमने ऑलमोस्ट सभी ने ऑनलाइन अभी 3-4 साल में जो बाबा के बच्चे बने, उसके अलावा हम सबने देखा है कि स्वयं बाप दादा का अवतरण जैसे सन्मुख होता है, तो सन्मुख बैठ करके बाबा जो सन्मुख बात करते और बात करते करते बाबा देखते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो अव्यक्त मुरली के पहले दृष्टि चलती और उसके बाद में भी वो एक पहली लाइन जो है वो अपने आप में ही बहुत सारी समर्थ देती है। तो बाबा कहते हैं मैं सर्व खजानों से संपन्न मालिक, आप सर्व खजानों से संपन्न बच्चे को देख रहा हूं। तो वो जो बाबा देखते हैं मुझे आत्मा को, डायरेक्ट लेजर दृष्टि मेरे अंदर की स्मृति को ट्रिगर करती, जागृत करती, और उसके साथ में उसका जब मैं, जब बाबा उसको अव्यक्त मुरली में फिर उस एक स्मृति को अच्छी तरह से डिफाइन करते कि कौन से खजाने, जैसे इस मुरली में बाबा ने खास एक ही खजाना, वैसे भिन्न भिन्न अव्यक्त वाणियों में अलग अलग डेफिनेशंस होती, एक्सप्लोर करके बाबा दिखाते। तो इस मुरली में बाबा ने कहा तुम खुशी से संपन्न खुशनुमा आते, बाबा मुझे देखता तो मेरी खुशी का जो अंदर का कोर है वो ट्रिगर होता, वो मोटिवेट होता, वो डेवलप होता। फिर बाबा कहते उस स्मृति के आधार पर समर्थी तक ले जाने के लिए क्या क्या बाबा तरीके अपनाते, उस स्मृति के आधार पर हमें नशा चढ़ाते, वहां बच्चे वहां आप कितने खजानों से संपन्न। तो जब बाबा मेरी वाह वाह करता
तो वो स्मृति मुझे एक नशे की ओर ले जाती, हाँ मैं कितनी संपन्न आत्मा, और इस संपन्नता की स्मृति या संपन्नता की डीप फीलिंग मुझे क्या समर्थि देती है, मेरे अंदर के वैक्यूम को खत्म करने की समर्थि देती है। जो छोटे मोटे वैक्यूम्स क्रिएट होते रहते हैं, नहीं नहीं मैं नहीं कर सकती, मेरे से नहीं होने वाला है, मैं इतना पुरुषार्थ नहीं कर सकती, औरों को देख करके हमारे अंदर वैक्यूम होता, वो इतना कर सकते हैं, हम क्यों, हम नहीं कर सकते, हम तो खाली हैं, हम इतने नहीं हैं। हम अपने आप को बाबा जो हमें देखता उससे कई गुना स्वयं को हद में रहते हुए अपने आप को जो कमजोर फील करते, खाली फील करते, कम फील करते हैं, अंडर एस्टिमेट करते हैं, बाबा कहते हैं आप तो संपन्न बच्चे हो। तो वो संपन्नता मेरे उस क्रिएट किए हुए, मेरे ही खुद मैंने ही क्रिएट किए हुए वैक्यूम को खत्म करने की समर्थि देती है, नशा आ जाता। अच्छा, फिर बाबा उसी स्मृति को समर्थि की ओर ले जाने के लिए उस स्मृति को प्रैक्टिकल एप्लीकेशन तक भी हमें ले जाते। जैसे इस मुरली में बाबा ने दो प्रकार से हमें उस खुशी को, खुशी की स्मृति को प्रैक्टिकली अप्लाई करके दिखाया। बाबा ने कहा बच्चे बातें भले जाए लेकिन खुशी न जाए, तो मुझे अपनी खुशी को कहाँ पर मेंटेन करके रखना है, कहाँ सस्टेन करके रखना है, मुझे याद आना चाहिए जब बात आती है तो मैं याद रखूं मैं खुशनुमा बच्चा हूं बाबा का, मैं खुशनुमा बच्चा, मैं सर्व खजानों से संपन्न बाप का, सर्व खजानों से संपन्न बनने वाला बच्चा। तो वो स्मृति अपने आप ही उस घड़ी जब मेरे सामने वो बात आती है, स्मृति मुझे उस बात से साक्षी करके, साक्षी रख करके बना देती है साक्षी को, साक्षीपन की समर्थी आती और साक्षीपन की समर्थी मुझे यहां पर अपनी स्वस्थिति में खुश रहने की समर्थि देती, शक्ति देती। दूसरा, बाबा ने कैसे उसको समर्थि की ओर रिलेट किया खुशी को, बाबा ने कहा तुम्हारा चेहरा, तुम्हारा मस्तक खुशी से चमक रहा है, हर एक का चेहरा चमक रहा है, तो ऐसी चमक औरों को जब टेंशन आता, बाबा ने याद दिलाया जब टेंशन बढ़ता है औरों का भी, उस समय पर आपका खुशनुमा चेहरा उनको टेंशन मुक्त कर दे। तो समर्थि आती, केवल मुझे समर्थि नहीं पर अन्य टेंशन वाली युक्त, टेंशन युक्त आत्माओं को भी समर्थि देने की ताकत स्मृति में है। यहां से बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है, स्मृति केवल मुझे समर्थि नहीं देती, मेरी स्मृति से औरों को भी समर्थि प्राप्त होती है, और केवल किससे, इस स्मृति की चमक से, अर्थात जिस स्मृति में मैं हूं, फेशियल चमक की बात नहीं है, ग्लो की बात नहीं है, लेकिन खुशी में अपने आप की एक स्पिरिचुअल ग्लो होता जिसको देख करके दूसरे भी खुश हो जाते, कहते नहीं ये कितना खुश रह सकते हैं, हम भी खुश रहे, वो प्रेरणा प्राप्त होती, वो सूक्ष्म शक्ति शेयर होती कि हम खुश है तो आप भी बातों को न देख करके खुश रहो, एक मैग्नेटिक पावर होती स्मृति में जो औरों को खींच करके उस टेंशन के माहौल से दूर करके खुशी में सेट कर देती है। इसी प्रकार से इस जर्नी में, उस मुरली में बाबा हमें उस स्मृति को और टाइट करने के लिए क्या तरीका अपनाते हैं ताकि हम भूले नहीं, हमारी स्मृति इतनी मजबूत
को कि बाबा ने कहा बच्चे ऐसा तो नहीं मुरली के बाद में आप चले जाएंगे फिर वैसा का वैसा बन जाएंगे। तो बाबा ने उसको पक्का करने के लिए क्या किया, मुरली ने बाबा ने हाथ उठवाया। इस बार तो बाबा ने कितनी बार हाथ उठवाए, कितनी बार, एक हाथ से बात नहीं बनी तो बाबा ने कहा दो दो हाथ उठवा, और फिर दो दो हाथ से बात नहीं बनी तो बाबा ने कहा फोटोग्राफर वीडियो निकालो, फोटो निकालो सब। फिर उससे बात नहीं बनी तो स्मृति को और पक्का करने के लिए बाबा ने क्या कहा, देखो आपके जोन वाले देख रहे हैं आपको, तो हमें और भी कई देख रहे हैं, बाबा को हाथ उठाकर दिखा रहे हैं। तो ये क्या तरीका है बाबा का, हा? बाबा इज द बेस्ट साइकोलॉजिस्ट इन द वर्ल्ड। बाबा वो साइकोलॉजी को समझता है कि मेरे सामने जब इतना पक्का करेंगे तब वहां पर भी पक्का होने की ताकत बच्चों को आएगी। तो फिर बाबा कई बार कहते हैं कि बच्चे ये चेहरा जो आप इतना यहाँ हाथ उठाते हो बाबा तो बहुत खुश हो जाता, पर ऐसा ये जो हाथ उठाए ना वो हमेशा याद रखना कि मैंने बाबा के सामने हाथ उठाया। तो खुशी की ताकत, खुशी अपने आप में एक ताकत है, खुशी अपने आप में एक स्ट्रेंथ है। और फिर बाबा ये भी कहता कि बच्चे जब भी उस समय जब बात आवे और फिर भी स्मृति लाने के बाद में भी अगर असमर्थी आती है उसका भी बाबा ने प्रबंध करके दे दिया, इंतजाम करके दे दिया। क्या अब इंतजाम किया, बाबा ने कहा कि जब भी हिम्मत कम हो ना तो याद रखना हिम्मत रखो बाबा मदद कर। वो आने दुरान देशी होकर बाबा ने उस समय का भी प्रबंध हमें दे दिया, केवल हिम्मत रखो कि नहीं मुझे खुश रहना है, कुछ भी हो जाए मुझे खुश रहना है। तो ये है अव्यक्त वाणी, हर प्रकार हर अव्यक्त वाणी हमें ये सफर में ले जाती है, स्मृति सो समर्थता। मैं आपको दो इंपॉर्टेंट अव्यक्त महावाक्यों के दो लाइंस पढ़कर सुनाना चाहूंगी, बाबा ने खास इस स्मृति और समर्थी के बारे में क्या कहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हम नोट कर सकते हैं। बाबा कहते स्मृति से पहले अपने में समर्थी लाओ, फिर कार्य करो। तो भले कैसे भी कमजोर होगा, सिस्टर कैन यू रिपीट प्लीज, लेकिन स्मृति के आधार से उस समय के लिए समर्थ आ जाए। तो तरीका क्या है, जब प्रैक्टिकली देखा क्या जाता है, जनरल में जब हम बाबा के सामने होते हैं चाहे साकार मुरली के द्वारा के समय पर या अव्यक्त मुरली के समय पर, नॉर्मली इवन बाबा भी उसका बयान करते हैं, देखा क्या जाता है कि जब हम मुरली सुनते हैं तो बाबा कहते हैं बच्चे तुमको कितना नशा चढ़ता है। अब गड़बड़ क्या होती है कि बाबा के सामने हमारी स्मृति का जो परसेंटेज है वो एकदम 100% हो जाता है। स्मृति से पहले अपने में समर्थी लाओ, फिर कार्य करो। तो भले कैसे भी कमजोर होगा लेकिन स्मृति के आधार से
उस समय के लिए समर्थ किया जाए। तो बाबा हमें बाबा कहते मुरली के समय पर तो आपको नशा चढ़ता, हमें अब केवल उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाबा का हर बच्चा वो चाहे माताएं हो, भाई हो, कुमार हो, कुमारियां हो, बच्चे हो, हर बच्चा जब बाबा की मुरली सुनते हैं ना, उस समय पर हमारी जो स्मृति और इवन उस समय पर समर्थी, मैं कर सकती हूँ, मैं करूंगी, मैं ही करूंगी, मैं नहीं तो और कौन, इतनी समर्थी की लेवल 100% तक पहुंच जाते, किसी की 90, किसी की 100 पहुंच जाती। तब तो जब बाबा हाथ उठवाते तो इंस्टेंटली हमारा हाथ उठता है, क्योंकि हम वो फील करते हैं शक्ति ने मैं कर सकती। बाद में क्या होता उसका महावाक्य में बाबा कहते हैं बच्चे स्मृति से पहले अपने में समर्थी लाओ फिर कार्य करो। अब इसका मतलब क्या, चाहे कार्य में दो दो चीजें आ जाती हैं। कार्य में आता है दिन, पूरा दिन जब हमारा शुरू होता है तो पूरा दिन हमारे कार्य का ही तो दिन है। पूरे दिन के शुरुआत से पहले बाबा ने हमें ये तरीका बता दिया है कि अमृत वेला जब आप करते हो उस समय आप 100% अपने स्मृति स्वरूप में हो। हमें केवल और एक एडिशन छोटा सा करना है, वो है बाबा ने जो कहा है अव्यक्त मुरली में ही कि बच्चे अव्यक्त बाबा मिलन के बाद, मतलब अमृत वेले के बाद में आप जब दिनचर्या में आते हो तो अमृत वेले और दिनचर्या को कनेक्ट करो। अमृत वेले की समर्थि को अमृत वेले में मिली हुई मुझ आत्मा में शक्ति, भरी हुई शक्ति, जमा की हुई शक्ति को दिनचर्या से कनेक्ट। जो बाबा के महावाक्य क्या चले इसके ऊपर कि बच्चे आप अपनी दिनचर्या के साथ मनचर्या बन, आप अपनी दिनचर्या सेट करते हो सुबह सुबह कि यहाँ इतने बजे जाना है, ये काम करना है, इनसे मिलना है, ये सेवा करनी है, व्हाटएवर। अब बाबा कहते हैं जैसे वो स्कूल दिनचर्या सेट करते हो ना, वैसे आप जिनसे भी मिलने वाले हो उसको मन या क्या क्या करने वाले हो उसको मन से विजुअलाइज करो सुबह सुबह, और विजुअलाइज करते करते बाप दादा से मिली हुई अमृत वेले की समर्थि से जो मेरे अंदर वो शक्ति भरी है या नशा चढ़ा है उसको वहां पर सेट कर दो कि इस स्मृति से मुझे इस कर्म में रहना है। हम अपने आप को विजुअलाइज करें कि ये सेवा करते समय या इनसे मिलते समय या ये कारोबार करते समय या ये जर्नी करते समय मैं इस स्मृति में हूँ, रहूंगी प्रॉमिस में, वहां तक की बात नहीं है। हम खुद को विजुअलाइज करें कि मैं उस स्थिति में हूँ। अब मान लो एक ही चीज हम ले लें, एक ही स्मृति हम ले लें। कौन सी स्मृति? मैं खुशनुमा, मान लो अमृत वेले के समय मुझे बहुत बाबा से खुशी मिली, बहुत शक्ति मिली, बहुत फील हुआ कि नहीं मैं खुश रह सकती। तो अमृत वेले जो मुझे खुशी प्राप्त हुई या समर्थि प्राप्त हुई उसको मुझे, इट डजंट टेक टाइम, ज्यादा समय नहीं मिल लगता है, 4 मिनट 5 मिनट अमृत वेले के बाद हम तुरंत कारोबार में ना आए, लेकिन उस समर्थि को हम रेडिएट करें, हम किरणों के रूप में उस खुशी को अपने द्वारा लोगों तक पहुंचता हुआ देखें जिनसे हम मिलने वाले। फिर जिस जर्नी में हम जा रहे हैं, अगर जाने वाले हो कोई जर्नी में, तो उस जर्नी में भी चाहे हम ट्रेन से ट्रेवल करने वाले हैं, बस से, हम खुद को उस ट्रेन में बैठा हुआ देखें और देख कर विजुअलाइज करें, इन द सेंस
मन की आंखों से, एंड बैठा हुआ मैं उस समय पर भी अमृत पीले की उस खुशनुमा शक्ति के साथ में, फीलिंग के साथ में, मैं खुश हूँ। मुझे जहां सीट मिल रही है मैं खुश हूँ, मैं खुशी रेडिएट कर रही हूँ अन्य पैसेंजर्स को, मैं जिनके साथ बैठ रही हूँ खुशियों की शेयरिंग कर रही हूँ। मे वॉट कम वो सवेरे सवेरे हमें विजुअलाइज कर देना। सो इससे जो एक्सपीरियंस भी है जो कहता है कि फिर जब हम उस कर्म में होते हैं, जो प्रैक्टिकली कोई चैलेंजेस आती हैं या कुछ विरोध होता है या हमारे किसी के साथ संस्कार मैच नहीं होते हैं, किसी के साथ विचार मैच नहीं होते हैं, बट क्योंकि मैंने पहले से ही वो रेडिएशन दे दिए हैं, तो उस समय पर समर्थ में रहना, खुद को कंट्रोल करना, खुद को अपने आप के उस स्वमान में रखने का, बाबा की याद में रहने का, सेल्फ स्टेज में स्टेबल रहने की समर्थि प्राप्ति ऑटोमेटिक क्योंकि मैंने सवेरे सवेरे वो काम कर दिया। सो दिस इज वन ऑफ द थिंग्स दैट आई थिंक हम सब भी करते होंगे, बट दिस इज समथिंग विच आई कैन शेयर विद यू। दूसरी बात ये है, नाउ वी लेट्स कम गो थ्रू क्या मिस्टेक्स हम करते हैं जो स्मृति समर्थि की ओर नहीं जाती। कौन सी स्मृति में गलतियां होती, क्योंकि पहले भी बात थी ना कि स्मृति से समर्थि बहुत इजी जर्नी है, बट स्मृति में रहना, स्मृति को मेंटेन करना, ये इंपॉर्टेंट। तो पहली जो गलती हम लोग करते हैं वो ये है कि जब हम स्मृति लाते हैं तो एक स्मृति है अभी खुशनुमा की अगर हम बात करें, एक स्मृति ये है कि मुझे खुशनुमा, मैं खुशनुमा रहना चाहती हूं, एक मैं थॉट क्रिएट करती हूं, और एक है मैं खुशनुमा हूं। दोनों में अंतर है, आप सब एडमिट करें, एग्री करेंगे। हम क्या करते हैं, अपनी स्मृति को चाहना की तरफ ले जाते हैं, मुझे ये बनना है, मुझे पुरुषार्थी, अच्छा पुरुषार्थी बनना है, मुझे आगे जाना है, मुझे बाप समान बनने की इच्छा है, ये सब चाहनाएं, ये सब चाहनाएं। तो चाहना है डेस्टिनेशन, बाप समान मेरा डेस्टिनेशन, कर्मातीत मेरा डेस्टिनेशन है, संपन्न फरिश्ता मेरा डेस्टिनेशन, समर्थी स्वरूप मेरा डेस्टिनेशन है, लेकिन जर्नी है स्मृति। हम डेस्टिनेशन को जर्नी से मिक्स कर देते हैं, ये मिस्टेक होती है। हम जो चाहते हैं वैसी निरंतर स्मृति मुझे अपने अंदर रिवाइज करते रहना है, एम्बॉडीमेंट बनते रहना है। खुशनुमा मेरा डेस्टिनेशन है, पर खुशनुमा स्मृति में रहना मेरी जर्नी है। तो एक गलती हम करते, चाहना और स्मृति को मिक्स कर देते, डेस्टिनेशन और जर्नी को मिक्स कर देते। दूसरी मिस्टेक क्या करते हैं कि एक तरफ बाबा की स्मृति में रह करके, बाबा के सन्मुख रह करके हम उस स्मृति में पक्के होते जाते हैं, रिवाइज करते, रिपीट करते। हमारे में से कईयों को बहुत अच्छी प्रैक्टिस पड़ी हुई है, वो स्वमान को लिखते हैं अनेक बार, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, रिपीट करते, रिवाइज करते, लिखते भी हैं एफर्मेशंस के रूप में। अब गलती क्या होती, छोटी सी, बट इट इज लाइक पॉइजन इन अ कप ऑफ नेक्टर। अमृत में एक बूंद भी अगर विष की पड़ी, पॉइजन की पड़ी, तो सारा प्याला जो है ना वो तो विष का बन जाता है। तो कौन सी गलती हम करते, यहां हम अनेक बार सोच रहे हैं मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर सर्वशक्तिवान, ठीक है, और एक थॉट कि नहीं मैं कभी कर तो नहीं पाई हूं, तो मैं इतनी तो शक्तिशाली नहीं हूं, मैं
मेरे से तो नहीं होता है, उनके जैसा तो नहीं होता है, पर एक थॉट हम अंदर से याद आते ही उसका भी स्वरूप बन जाता है, पावर का भी स्वरूप बन रहे हैं, मास्टर सर्वशक्तिमान का भी स्वरूप बन रहे हैं 10 times, बट एक टाइम असमर्थी का भी स्वरूप बन जाते हैं, पता नहीं चलता है। हम अपने आप से खुश होते हैं, हम अपने आप से संतुष्ट होते हैं, मैंने तो कितना अभ्यास किया, मैं तो अमृत वेले से खुशनुमा स्थिति में ही हूं, लेकिन किसी की कोई बात देख करके अंदर नाखुशी भी अगर आती है, एक सेकंड की बात है, एक सेकंड की बात है, एंड वो क्यों आती है उसका भी कारण है पिछले संस्कार, नाखुश रहने की मेरी आदत, किसी की किसी को चांस मिला, किसी को आगे बढ़ाया गया, किसी को बहुत अच्छी सेवा मिली, किसी का नाम हुआ, व्हाटएवर, हर एक के नाखुश होने के अपने अपने पर्सनल रीजंस हैं, उस पर्सनल एरियाज हैं, और वो एक कोई भी बात अगर ट्रिगर हुई मेरे अंदर, ऐसे संकल्प आए बिकॉज ऑफ माय पास्ट संस्कार्स, बिकॉज ऑफ माय पास्ट ट्रेड्स जो मैं द्वापर युग से लेकर के आई, तो एक जो है ना वो विष का काम करता, वो पॉइजन का काम करता, और उसके कारण कितना भी पका करें, कितना भी याद करें, कितना भी रिपीट करें, कितना भी लिखें, एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट क्या निकलता, आउटकम क्या निकलता, वो मजा नहीं आता, वो खुशी नहीं, स्वमान के बाद में भी खुशी नहीं। सो व्हाट डस दिस थिंग टेल मी टू डू, कहीं पर भी पास्ट की मेमोरीज जो वेस्ट है, जैसे आती है निकलेंगी तो सही, आएंगी तो सही, बिकॉज अंदर भरा हुआ है तो आएंगी तो सही, आई नीड टू ऑल्सो प्लान, जब मैं ऐसा समर्थी स्वरूप की जर्नी में आगे जा रही हूँ, आई नीड टू ऑल्सो प्लान कि अगर कहीं ना खुशी के संकल्प आए, हाउ टू मैनेज दोज थॉट्स। प्री प्लानिंग करना है, प्री प्लानिंग करना, अर्थात जब मैं स्मृति को पक्का कर रही हूं कि मैं खुशनुमा आत्मा हूं और मुझे सारा दिन खुश रहना है, तो मुझे मेरे मन की डायरी में ये भी चॉकआउट करना है कि अगर मेरे अंदर कोई, अगर कोई भी बाहर की बात ने मुझे डिस्टर्ब करना चाहा, या कोई भी बात मुझे नाखुश करे, पर उस समय पर मैं क्या करूंगी, उस समय मैं क्या स्मृति लाऊंगी, वो पिल्स भी मुझे अपने साथ रखनी पड़े, वो डोज भी मुझे अपने साथ, इमरजेंसी डोजेस रखने पड़े, जैसे वो इमरजेंसी डोज क्या होगा, उस समय याद आवे बाबा, बाबा ने मुझे कहा है, बच्चे बात छोटी है तुम बड़े हो, कुछ भी इस प्रकार की बाबा की महावाणी, कुछ भी हो जाए मेरी खुशी, गुलजार दादी खुशी के ऊपर बहुत अच्छी तरह से बयान करती कि बात छोटी, बात आपसे बड़ी हो गई दादी, बहुत सुंदर इतनी से प्यार प्यार से हमको बात, बात तुम्हें इतनी ताकत है जो तुम्हारी खुशी ले जाए, कुछ भी हो जाए दादी पक्का कराती थी, बच्चे कुछ भी हो जाए मुझे खुश रहना है, शरीर भी छूट जाए तो भी मुझे खुश रहना है। तो ऐसे दादियों की कोई इम्पोर्टेंट टिप्स, दादियों की मिली हुई इम्पोर्टेंट टिप्स हो,
या बाबा के महावाक्यों के कोई इंपॉर्टेंट टिप्स, वो इमरजेंसी पिल्स के रूप में मुझे रखना है कि कहीं अगर मेरी नाखुशी जाए तो नाखुशी आए तो मुझे उस समय पिल लेने दें, मुझे वो डोज ले लेना है। तो एक तो वो मिस्टेक हम करते, पास्ट मेमोरीज पर ध्यान नहीं देते, उनको मैनेज करने का प्रोग्राम नहीं बनाते। एंड दूसरा क्यों हम, क्या मिस्टेक होती, मैं यहाँ पर सोच रही हूँ मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत समर्थ हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, और एक थॉट याद आती, एक संकल्प आया, फलाने समय पर फलाने ने मुझे कहा था तुम क्या कर सकती, तुम तो गुड फॉर नथिंग, कोई पास्ट एक्सपीरियंस किसी के साथ ना, और किसी का कहा हुआ जो उस समय पर, अब वो याद क्यों आता है, क्योंकि जब उसने मुझे कहा था मैंने उसको बहुत ध्यान से सुना था, और मैंने उसको ध्यान से सुन करके उसको मैंने अपने चित्त पर बिठा दिया था कि हाँ वो कहती है, वो कहता है कि तुम तो गुड फॉर नथिंग हो, तुम क्या कर सको, तुम तो कुछ नहीं कर सकती हो, देखो बार बार तुमसे तो गलतियां होती हैं। लॉजिकली अगर सोचा जाए तो परमात्मा मुझे कहता है तुम बहुत शक्तिशाली, और एक आत्मा मुझे कहती है तुम कुछ भी नहीं कर सकती हो, तुम्हारे में क्या ताकत है, तुम तो असमर्थ। लॉजिकली भी अगर सोचा जाए तो किसकी ताकत ज्यादा काम करनी चाहिए, परमात्मा की कि किसी आत्मा की। शिव बाबा तू, परंतु उस समय एक संकल्प मेरे लिए पॉइजन का काम करता, और फिर वो दिन भर का स्वमान, दिन भर की स्मृतियां, जिन दिन भर का अभ्यास पूरा उस पर पानी फिर जाए, और एट द एंड ऑफ द डे मेरे चार्ट में क्या आता, मैं कितनी शक्तिशाली फील हुई, तो इट कम्स टू बहुत कम परसेंट, 10%, 20%, 30%, वॉट एवर। एक इसको भी हमें मैनेज करना है। तो जब हम अपना प्लान बनाते हैं तो सवेरे सवेरे, तो उस समय पर हम ये भी प्लान बनाएं कि बाहर से कितनी भी मुझे असमर्थी के वाइब्रेशंस आए, लेकिन मैं परमात्मा की किरणों के नीचे, हियर कम्स द इंपॉर्टेंस ऑफ बाप दादा दृष्टि, मैं जो स्मृति अपने अंदर लाती हूं, मैं अपने आप में सिर्फ स्मृति नहीं लाऊं, बाबा मुझे स्मृति, मुझे खुशनुमा के रूप में देख रहे हैं, ब्रह्मा बाबा की आंखों में शिव बाबा विराजमान होकर के, त्रिपुटी में विराजमान होकर के मुझे देखते जा रहे, वो मैजिकल लेजर दृष्टि मेरे इनर कोर को इतना खुशनुमा रख देवे, रखे, निरंतर देखते रहे बाप दादा की नैनों में, त्रिपुटी में, इतना वो लेजर किरण मेरे ऊपर काम करे जो वो खुशनुमा की शक्ति मेरे 63 जन्मों का अंदर रिकॉर्डेड जो रील है ना, उसमें जितनी भी ना खुशी के अंश है उसको समाप्त करके खुशी में कन्वर्ट करे। तो ये स्मृति समर्थि में परिवर्तन होने में समय नहीं लगेगा, इट बिकम्स वेरी इजी, बाबा मुझे स्मृति दे, जो नहीं साकार मुरली में लास्ट में टच करूंगी, फिर हम आगे योग की तरफ बढ़ते हैं। बाबा मुरली में कहते हैं ना ब्रह्मा बाबा को भी, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं तुम्हें तुम्हारे जन्मों की कहानी सुनाता हूँ, तो बाबा मुझे भी कहता है तुम क्या कर रहे हो, ये सब तुम्हारा पास्ट है, मुझे तुम्हारे पास्ट से कोई मतलब नहीं है, तुम इस समय शक्तिशाली, तुम्हें मैं शक्तिशाली देख रहा हूं। सो व्हेन बाबा डजंट केयर अबाउट माय पास्ट, व्हाई शुड आई केयर अबाउट माय पास्ट, व्हाई शुड आई अटेंड माय पास्ट,
मुझे क्वेश्चन था कि हर रोज बाबा मुरली में हमें वरदान देते हैं, वो वरदान हम कैसे अपने स्वरूप में ला सकते हैं? What we have started over here, यहाँ पर जहाँ हम लोग मुरली क्लास करते हैं, हम तीन तरीके अपनाते हैं. एक, जब वरदान हम सुनते हैं, we keep ourselves alert for 1 minute or so, कि अब वरदाता बाप मुझे वरदान देता है, दे रहा है. तो एक बार हम पढ़ते हैं तो हम ये फीलिंग के साथ सुनते हैं कि डायरेक्ट बाप दादा, वो चेहरा, अव्यक्त बाप दादा का चेहरा हम मन की आंखों के सामने लाते हैं कि अव्यक्त बाप दादा मेरे सन्मुख पर्सनली. सी, थिंग्स विच आर टोल्ड टू मी पर्सनली आई विल नेवर फॉरगेट. जनरल कही हुई बातें मैं फॉरगेट कर भूल सकती हूँ, लेकिन पर्सनल कही हुई बातें मैं फॉरगेट नहीं कर सकती. तो वरदान को स्वरूप में लाने के लिए एक टिप हम अपना सकते हैं कि बाप दादा मुझे डायरेक्ट उस समय, इट्स नॉट, हम अगर ये सोचे तो पहले का वरदान है, वो तो निकले हुए कलेक्शंस में से आया वरदान है, फिर वो बात नहीं बने. आज अभी इस समय पर्सनल, जैसे कि मान लो मुझे स्टेज पर बाप दादा ने बुला लिया है, रोज बाप दादा मुझे 2 मिनट के लिए स्टेज पर बुला लेते हैं एंड मैं जाती हूँ. तो आप समझो, अगर आप में से कोई बाबा मिलन के टाइम पर गए हो एंड आपको स्टेज पर बुला के बाबा ने कुछ कहा हो, 30 साल पहले, 20 साल पहले, 10 साल पहले, आप भूल सकेंगे? इट्स नॉट पॉसिबल टू फॉरगेट. आप याद भूल ही नहीं सकते, भुलाए नहीं भूलोगे. क्यों हम वो रोज अनुभव नहीं कर सकते? कर सकते हैं. तो बाप दादा डायरेक्ट मुझे पर्सनल वरदान दे रहे हैं उस समय उस फीलिंग के साथ. एक दूसरा हम करते हैं कि एक बार हम पढ़ते हैं कि बाबा मुझे सुना रहा है, फिर दूसरा हम वही वरदान रिपीट करते हैं पर उस फीलिंग के साथ में कि अब हम हर एक जो क्लास में बैठे हम अपने आप को वही वरदान दे रहे हैं. माना वही वरदान रिपीट करते हैं और फील करते हैं, वो वरदान मैं खुद खुद को दे रही हूं. ग्रेट वरदाता फीलिंग एंड गुड विशेस एंड अपनी अंतरात्मा को पर्सनलाइज्ड फीलिंग के साथ में मैं वरदान दे रही हूं. सो दैट ऑल्सो वर्क्स, क्योंकि मैं अपने आप में के बारे में जो शुभ सोचती हूँ, श्रेष्ठ सोचती हूँ और वरदाता फीलिंग से सोचती हूँ, याद है. तीसरा, स्वरूप, वरदान को स्वरूप तक लाने के लिए इन दूसरे एग्जाम्पल के रीति से आप ये शायद पूछना चाहते हैं कि जो हम भोजन करते हैं उसकी शक्ति कैसे प्राप्त. वरदान है भोजन, मैंने मुंह में डाला, बट वो भोजन की शक्ति शरीर में या वरदान की शक्ति आत्मा में जाए, उसके लिए एक बीच में इम्पोर्टेंट ब्रिज है. और वो ब्रिज है, जैसे शरीर के लिए चाहिए डाइजेशन, चुइंग आफ्टर पुटिंग द फूड इन द माउथ आई स्टार्ट चुइंग, पहले मैं च्यू करती हूँ, आफ्टर च्यूइंग आई इट गोज फॉर डाइजेशन. दूसरे शब्दों में बाप दादा जो कहते हैं, बच्चे मनन करो. श्रवण, मनन, फिर मगन. वरदान सुना, अच्छा लगा, खुशी हुई, नशा चढ़ा. दिस फर्स्ट स्टेप, ओनली फर्स्ट स्टेप. Without crossing the second step, passing through the bridge, I cannot become the swarup of that. So bridge is manan. हमें एकांत में बैठना होगा, हमें free mind से उस वरदान के ऊपर सोचना होगा. लिखना, इफ यू कैन राइट, श्योरली राइट 1 पेज.
यू कीप ऑन यू स्टार्ट योर पेन, आप लिखना शुरू करो, लिखते 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 एट द एंड ऑफ द पेज विल फील दैट आप उस स्वरूप बन रहे, बिकॉज इट इज ऑल कमिंग फ्रॉम इनसाइड, आपके अंदर से वो बातें निकली हैं, आप उसका स्वरूप बन जाए. एंड वेन यू 10 minutes, 15 minutes, आधा घंटा, जो भी आपको टाइम मिलता है, बट आफ्टर मुरली अगेन, जैसे अमृत वेले के बाद प्लानिंग इंपॉर्टेंट है, ऐसे मुरली के बाद मनन इंपॉर्टेंट. So let's take a strong thought, create a thought, strong thought for ourselves today. कि हर मुरली के बाद 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा. अब आप कहेंगे वो टाइम नहीं मिलता, हम लोग मुरली सुन के तुरंत चले जाते हैं. ओके, लक्ष्य रखें मुरली से, सेंटर से घर तक जाने की जो जर्नी है, मुझे मनन में बिताने. मुझे मनन में बिताने या और उससे एडिशन 10 बजे टाइम मिलता, 11 बजे टाइम मिलता, 12 बजे टाइम मिलता, उसी मन उसी फ्लो के साथ हम बने रहे. एंड फिर 11 बजे, 12 बजे, 15 मिनट जैसे टाइम मिलता है, टेक अ पेन, टेक अ बुक, स्टार्ट राइटिंग और स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट. ऑटोमेटिकली आप देखेंगे पूरा दिन आप उस वरदान के स्वरूप में. और क्या होता है विशेष इंपॉर्टेंट, कि जो बाबा रोज वरदान देते हैं, बाप दादा पूरा दिन वरदाता फीलिंग्स से उस वरदान की शक्तियां अनोइंगली, हमारे हमें इतना अवेयर नहीं रहते हैं, लेकिन बाप दादा वतन से उसी फीलिंग से मुझे भी देख रहे हैं और औरों को भी देख रहे हैं, अन्य ब्राह्मण आत्माओं को भी. सो वो स्वरूप बनना उस दिन बहुत इजी हो जाता है, सिर्फ हमें अटेंशन रखना है मनन. या आई थिंक द रिप्लाई मे बी सैटिस्फैक्टरी. यस सिस्टर, एनीबॉडी एल्स? ओम शांति सिस्टर. आपने जो जो हम स्मृति में रहते हैं बाबा की, जो एक संकल्प आता है वो कितने टाइम में चेंज करना होता है? वो संकल्प तो 2-3 बार ऐसे लाइन लगी रहती है, तो कितने टाइम में वो चेंज करना, पॉजिटिव में कितने टाइम में चेंज करना होता है? इसमें है कि डिपेंड्स अपॉन कि वो जो आपको बेस्ड थॉट आया वो कितना डीप रूटेड है, वो कितने या पिछले जन्मों का कितना कड़ा अंदर गया हुआ संकल्प है. उतना भले ज्यादा समय लगे, आप टेंशन नहीं लीजिए, मतलब कि मुझे जल्दी खत्म करना है, जल्दी मुझे उसको कन्वर्ट करना है. इट आप कन्वर्ट करने की जर्नी शुरू कर दीजिए. जितना ज्यादा डीप रूटेड होगा, जितना आपने उसको चाहे पिछले जन्मों में चाहे इस जन्म में जितना गहरा अंदर लेकर गए होंगे. जैसे नहीं किसी के लिए कहते हैं, इसने मुझे जो बात कही ना वो मेरे इतने दिल तक अंदर चली गई है, मैं उसको नहीं भूल सकती, उसने मुझे कितना गलत बोला कि तुम कुछ नहीं कर सकती. जितना कड़ा अंदर गया होगा उतना निकालने में भले टाइम लगे, पर निकलने की जर्नी शुरू कर दी. उन्होंने बोला और आपने एक संकल्प के बाद में और दूसरा, अटेंशन ही रखना है कि जैसे थॉट क्रिएट होता है तुरंत अटेंशन रखें कि बाबा को सामने लाकर के, बाबा आप तो मुझे शक्तिशाली बोल रहे हो ना, आप तो मुझे शक्तिशाली देख रहे हो ना, मैं शक्तिशाली, मैं खुशनुमा, वट एवर स्वमान आप लेते हो, वो जो जो स्मृति आप हर एक अपनी अपनी लेते. ठीक है, तो इट डिपेंड्स अपॉन हाउ मच टाइम, but time is not the important factor. Journey from converting poison to nectar is important. उस विष को विष बढ़ने नहीं देना. जितना आप ज्यादा उसको क्रिएट याद करते हैं ना, नहीं मुझे ऐसे बोला, फिर आप याद करते हो उसने ऐसे बोला, देखो ना कैसे बोला, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, मैं कितना कमजोर फील कर,
एक के बाद एक के बाद एक संकल्प जो आप क्रिएट करते हैं, हम क्रिएट करते हैं, वो और पॉइजन बनता है, पॉइजन में पॉइजन बढ़ता जाता है. सो टाइम इज नॉट द फैक्टर, बट कन्वर्टिंग दैट इज इम्पोर्टेंट. हर्षा दीदी, क्वेश्चन ये है कि समटाइम्स जब भी कोई पीपल उसी तरह वर्तन करते हैं, यू नो, तो वो लोग तो ऐसे समझते और बोलते हैं कि एंड दिस इज राइट टू, कि उनके पर्सपेक्टिव अलग है और हमारे अलग है. तो वो तो बोलते हमने तो ऐसा किया ही नहीं या सोचा ही नहीं, बोला ही नहीं. तो उस वक्त कौन सी थॉट क्रिएट करनी है? ओके, इफ दे आर सेइंग कि नहीं हमने वो नहीं किया, नहीं बोला या वैसा बर्ताव नहीं किया, व्हाटएवर, सो उस समय पर हम ये तुरंत, हमें ना उस समय पर बाबा हमें क्या कहते हैं, देखो बाबा साकार मुरली में क्या कहते हैं, बच्चे हर एक का यहाँ पर इंडिविजुअल जर्नी है. अगर वो नहीं कहते हैं, बोला है लेकिन वो नहीं बोल रहे हैं, दैट्स ओके, दैट्स देयर जर्नी, दैट्स देयर जर्नी. हम साक्षी हो जाएं, हम उसके उनके साथ, हम किसी के साथ भी सामने सामने रिलेशंस में नहीं आ रहे, हम हमेशा किसी के साथ भी रिलेशन में आते समय या किसी का सुनते समय बाबा को बीच में रखें और हम साक्षी हैं. मतलब एक दूसरे के साथ डायरेक्ट हम अभी कॉन्टेक्ट में है ही नहीं, हम ब्राह्मण बने हैं, मर्जीवा बने हैं, अब मेरा अकाउंट सारा बाबा के साथ, हम साक्षी होकर के सुन रहे हैं वो क्या कह रहे हैं और हम रिप्लाई भी वो कर रहे हैं जो बाबा ने मुझे क्या रिप्लाई कर, बिकॉज वी आर हीरो एक्टर्स नाउ, हमें वो क्या करे वो सोचकर रिएक्ट नहीं करना. ओके, वॉट एवर दे सी, अगर वो नहीं बोल रहे हैं उनकी कर्म कहानी वो जाने, आई नो दैट दे हैड टोल्ड, बट कई बार कैसे, देखो बाप दादा भी हमारी कई बातों को जानते हुए चुप रहते हैं, तो मुझे बाप समान अगर बनना है तो मुझे पता है सामने वाला गलत बोल रहा है, वो एडमिट नहीं कर रहा है, बट मैं साक्षी होकर के सूक्ष्म में उनको भी वो एनर्जी दे दूं सच्चाई की, एंड आई गो फॉरवर्ड इन माई जर्नी. आई विल नॉट वेस्ट माई थॉट्स फॉर एनी, उनके कर्मों के लिए मैं क्यों अपना समय वेस्ट करूं, मैं क्यों अपने थॉट्स वेस्ट करूं. सो साक्षी हो जाए, एंड आई थिंक साक्षीपन से ना उनको और ताकत आती है, उनको फिर सच्चाई में रहने आने की ताकत आती है अपने आप. दिस इज हाउ बाबा डील्स विद अस, सो वी हैव टू डील विद देम दैट. हम अपने मन को आराम दे, कानों को आराम दे रहे. धीरे धीरे जैसे किसी खुले नल को हम बंद करते हैं तो ड्रॉप्स ऑफ वाटर बहना बंद होते हैं, इसी प्रकार स्मृति तो समर्थी के प्रेरणाओं के ड्रॉपलेट्स बाप दादा ने जो मेरे अंतर मन में डाल करके मुझे भरपूर किया, मैं 2 मिनट साइलेंस में श्रवण का टैप बंद करते हुए और करती हूँ कि कौन सी एक या दो बातें
सबसे ज्यादा मेरे मन को छुई है। वो क्या बात थी जिससे मुझे बाप दादा ने समर्थ दिलाई। जाने दें समर्थी की ताकत को संपूर्ण रीति से अपने अंदर फील करें उस समर्थ की स्ट्रेंथ को। अपनी आत्मा और सूक्ष्म और आकृति विजुअलाइज करें उस समर्थी से मैं आत्मा अपने आसपास की आत्माओं के साथ लोगों के साथ कैसे व्यवहार में आई। अंत में चले अपने स्थूल शरीर को छोड़कर उसी समर्थि के वरदानी फीलिंग से सूक्ष्म उड़ान भरते हुए वतन में बाप दादा के सामने जहां बाप दादा आपको देखकर बहुत खुश हो रहे हैं। वेलकम कर रहे हैं, आओ मेरे स्मृति को समर्थि स्वरूप बच्चे थैंक यू बाय।